भाजपा के पूर्व मीडिया प्रभारी व प्रदेश सचिव प्रवीण कुमार शर्मा ने मंडी शहर में दिनों दिन विकराल होती जा रही ट्रैफिक व पार्किंग समस्या के निदान के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पत्र लिखकर मांग की है कि इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु शहर के केएसटी बंगला में खाली भूमि का अधिग्रहण किया जाए और इस पर 5 मंजिला अत्याधुनिक पार्किंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाए। प्रवीण शर्मा के अनुसार इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर की 2 मंजिलों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाए, इससे बेरोजगारों को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ में इस परियोजना के निर्माण के लिए आवश्यक धन भी उपलब्ध हो जाएगा। इससे सारी परियोजना का खर्च भी निकल आएगा और प्रदेश के खजाने के ऊपर भी कोई बोझ नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में प्रवीण कुमार शर्मा ने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून सरकार को ये अधिकार देता है कि जन उपयोग के व्यापक आवश्यकताओं को देखते हुए वे किसी भी निजी भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। वर्तमान समय में मंडी शहर में पार्किंग सुविधा न होना शहर की बड़ी समस्याओं में से एक है। जिला मुख्यालय होने के कारण जिले भर से लोग अपने कार्यों हेतु हजारों की संख्या में मंडी शहर आते हैं। पार्किंग की कोई सुविधा न होने के कारण उन्हें परेशानियों से रूबरू होना पड़ता है। पुलिस प्रशासन का समय भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के बजाय यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में बर्बाद होता है। प्रवीण कुमार ने कहा कि यू ब्लॉक में पार्किंग स्थल का निर्माण सरकार का फैसला एक सराहनीय कदम है, परंतु ये पर्याप्त नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिए अन्य स्थानों में भी पार्किंग स्थल बनाए जाने की आवश्यकता है। इस कड़ी में केसरी बंगला में पार्किंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण एक बहुत बढ़िया कदम होगा। सुनियोजित ढंग से बनाए जाने पर इस कॉम्प्लेक्स में एक अनुमान के अनुसार 1500 से ज्यादा गाड़ियों को पार्क किया जा सकता है। दूसरा, शहर के किनारे होने पर शहर से ट्रैफिक की समस्या से भी स्थायी मुक्ति मिल जाएगी और जिला मुख्यालय में कार्य हेतु आने वाले लोगों के लिए भी बहुत सहूलियत होगी। मंडी शहर में गाड़ियों की पार्किंग की समस्या दिनों दिन विकराल होती जा रही है। प्रदेश सरकार भी समस्या के प्रति चिंतित है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यू ब्लॉक में मल्टी स्टोरी पार्किंग का शिलान्यास भी किया है, परंतु मेरा यह मानना है कि यह पर्याप्त नहीं होगी। इसके लिए हमें अन्य स्थानों पर भी पार्किंग बनाने के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए मैंने प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर सुझाव दिया है, अगर मंडी में केसरी बंगला स्थित खाली जगह का सरकार अधिग्रहण कर लेती है तो वहां पे एक बहुत बड़ी मल्टी स्टोरी पार्किंग बना सकते हैं। पहली 3 मंजिलों में पार्किंग बनाएंगे और ऊपर की 2 मंजिलों में अगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो उसी से धन से हम इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, क्योंकि धन का संकट प्रदेश सरकार के समक्ष हो सकता है। ऐसे में मेरा ये सुझाव रहेगा कि सारी पार्किंग को हम लोग बीओटी के माध्यम से बनाएं, और यही नहीं शहर के अन्य स्थानों पर भी पार्किंग के लिए स्थान ढूंढे जाएं ताकि आने वाले समय में शहर को इस समस्या से मुक्ति मिल सके।